हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेईई मेन 2024 का 3D से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी बी दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। इफ द इंटरनल बायसेक्टर ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी का इंटरनल बायसेक्टर मीट द लाइन ए बी एट सी, यानी द लेंथ ऑफ ओ सी निकालना है। चार ऑप्शन में से क्या होगा निकालना है हमको। क्या दिया है, ए एंड बी का पोजिशन वेक्टर है, दिस इज ए सपोज, पोजिशन वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। फिर बी का पोजिशन वेक्टर, बी का पोजिशन वेक्टर क्या है, 2i कैप 4j कैप 4k कैप। तो अगर ये सी है तो दिस इज सी, ये ओ है, ओ सी इज एंगल बाइसेक्टर, ओ सी जो है एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी। तो ओ ए इज टू ओ बी, ये रेशियो जो किसके साथ सेम होगा, ए सी इज टू सी बी। ये जो रेशियो है इसका, इसके साथ रेशियो, ये लेंथ के साथ रेशियो सेम होगा। फिर ओ ए कितना है, ओ ए का लेंथ है ओ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 = 8, 9, रूट 9 इज 3। उसी प्रकार ओ बी, ओ बी का लेंथ ओ बी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 16 + 16, √36 = 6। सो ओ बी का लेंथ 6 है, देयरफॉर ए सी, ए सी इज टू सी बी, ए रेशियो क्या होगा, 3:6 = 1:2। ये हो गया 1:2, देयरफॉर ओ सी, ओ सी वैक्टर कितना होगा, सी पॉइंट का पोजिशन वैक्टर, ओ सी इक्वल टू रेशियो हो गया 1 + 2, 1:2। सो 1 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 4 = 6i, 4 + 4 = 8j, 4 + 2 = 6k। डिवाइड करने से 2i कैप प्लस 8/3 j कैप प्लस 2k कैप। तो हमको लेंथ ऑफ ओ सी चाहिए, लेंथ ऑफ ओ सी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओ सी, मॉडुलस ऑफ ओ सी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 64/9, 4। ऊपर से 4 कॉमन लेंगे, पहले तो हो गया 8 × 9 = 72 प्लस 64/9, ऊपर से 4 कॉमन लेंगे, नीचे से 9 का स्क्वायर रूट, 4 से बाहर निकलने से 2, 9 से आएगा 3, अंदर में कितना होगा, 4 होने से 18, फिर यहाँ से हो गया 16, 16 प्लस 18 इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 2/3 √34, 18 प्लस 16 34। तो हमारा ऑप्शन सी, तो ये प्रॉब्लम का आंसर सी होगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।